प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक में अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे, साथ ही अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और बैठक सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य 13 सदस्य बैठक में शामिल होंगे और सीएम योगी लखनऊ अपने आवास से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह, चीफ सेक्रेटरी के अलावा प्रमुख सचिव पर्यटन, अपर मुख्य सचिव नगर विकास समेत अन्य विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव आवास विकास प्रेजेंटेशन देंगे और बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, जिसमें अयोध्या में 400 करोड़ की लागत से बस स्टैंड के निर्माण कार्य को मंजूरी मिली थी और अयोध्या में ही पीपीपी मोड पर 400 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इंटरस्टेट टर्मिनल इस बस स्टैंड पर आने वाले लोगों को जाम से बचाने के लिए एक करीब 1.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर भी बनेगा। अयोध्या में सुल्तानपुर मार्ग पर नए एयरपोर्ट को जोड़ता है और इस पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यहां फुल लेन फ्लाईओवर भी मंजूरी दी गई है। यहां पर बनने वाले बस अड्डे के लिए जमीन की अड़चन दूर करने के लिए सांस्कृतिक विभाग अपनी 9 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को देगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता महेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। महेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का विजन डॉक्यूमेंट है अयोध्या को विकसित करना और शायद 2022 में जो विधानसभा चुनाव है इसी बलबूते पर भी लड़ जाएं, और प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल माध्यम से तमाम प्रमुख सचिवों, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ में आज जुड़ने वाले हैं। जी धीरेन्द्र, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पे बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इसीलिए आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अपने तमाम अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री के साथ और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर वर्चुअल मीटिंग करेंगे जो कुछ ही देर में अभी शुरू होगी। ये इस तरह के खाके तैयार किए जाएंगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें किसी भी प्रकार की तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, इस पर ध्यान रख के ये सारी मीटिंग हो रही है। क्योंकि विकास प्राधिकरण इसको जो है कई दिनों से तैयारी कर रहा है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह लखनऊ में मौजूद हैं और तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, डिप्टी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या जी और दिनेश शर्मा जी, और तमाम अधिकारी आज इस बैठक में भाग लेंगे, जिससे वो तय हो जाएगा कि किस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर बने, अयोध्या विकसित हो, अयोध्या सुंदर दिखे और राम राज वाली अयोध्या हो। इस तरह की आज तैयारी बैठक है जिसमें सारे निर्णय लिए जाएंगे। और जहाँ तक ये जमीन घोटाले की बात हो रही, हो सकता है कि उसमें वो भी मुद्दा उठे जिससे ट्रस्ट पे जो आरोप लगे हैं उसका भी जवाब वहाँ देना पड़ सकता है। जी महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।